हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। सो आज के सेशन में हम आपका प्रीलिम बूस्टर 2023 के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं डे वाइज जो भी न्यूज़पेपर में आते हैं उसको हम डेली डिस्कस करेंगे। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं किस किस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे वाटर इम्पैक्ट समिट। रिसेंटली आपका वाटर इम्पैक्ट समिट हुआ है, क्या उसकी की फाइंडिंग्स निकल के आई हैं, फर्स्ट न्यूज वी विल डिस्कस, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड इन्फॉर्मेशन देखेंगे INS मोरमुगाओ, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है तो इसको हम समझेंगे। उसके बाद हमें अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क, दैट इज भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क, ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। फिर हमें अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझना है मैमेलियन इवोल्यूशन। तो हम लोग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन वाले स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं व्हाट इज इवोल्यूशन अलग अलग तरीके का, तो ये मैमेलियन इवोल्यूशन से रिलेटेड प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट वर्ड एंड आपको ऑप्शंस दे देते हैं, तो आपको इसको समझना जरूरी है। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, आप सब लोगों ने सुना होगा बनियान एंड पीपल जो ट्री होता है उसका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसा क्या चीज है उसमें जिसकी वजह से उसकी लाइफ स्पेन इतनी ज्यादा होती है, तो इस चीज के ऊपर आपका रिसर्च किया गया। तो आपका ये फाइंड किया गया है कि कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है उसके इतने लाइफ लॉन्ग स्पेन के लिए, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका एक टॉपिक है एट द एंड, जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल मिनिमम टैक्स, मिनिमल टैक्स क्या होता है ये इसको हम समझेंगे। फिर लास्ट में हमें डिस्कस करना है प्रीलिम्स के प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इन सारे टॉपिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका वाटर इंपैक्ट समिट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वाटर के रिलेटेड कुछ इंपैक्ट है, उसके रिलेटेड आपका कोई समिट हुआ है। तो रिसेंटली आपका अभी न्यूज़ में क्यों आया है, 7th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट जो है वो कंक्लूड हुआ है आपका 17th ऑफ दिसंबर 2022 को, ठीक है। ये समिट आपका 3 डे का पूरा समिट था जिसके बाद आपका कुछ कंक्लूजन्स निकले हैं और कुछ की फाइंडिंग्स आई हैं, ठीक है। तो इसमें आपका इम्पॉर्टेंट जिसको दिया गया है, किस चीज़ को दिया गया है इम्पॉर्टेंट, वाटर कंजर्वेशन को, आप देख सकते हैं वाटर कंजर्वेशन को। और इसके अलावा स्पेशल एम्फेसाइज दिया गया है रिवर्स को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लार्ज बेसिन्स, और एम्फेसाइज किया गया है रिवाइवल ऑफ स्मॉल रिवर्स को। आप देखिए अगर आपकी स्मॉल स्केल्स में जो रिवर्स हैं ये प्रोटेक्टेड हैं, ये क्लीन है, इन पे कोई डिस्ट्रॉय नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो लार्ज स्केल्स पे रिवर है मोस्टली वो भी क्या हो जाती हैं आपकी प्रोटेक्टेड हो जाती हैं। तो स्मॉल स्केल से लेके हमें लार्ज स्केल तक रिवर्स को प्रोटेक्ट करना है, वाटर को कंजर्वेशन करना है, इसी चीज़ पे मेन एम्फेसाइज किया गया है। अब की फाइंडिंग्स क्या निकल के आई है देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो है नीड फॉर फॉर्मिंग अ नेशनल रिवर फ्रेमवर्क। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको ज़रूरत है एक नेशनल रिवर फ्रेमवर्क बनाने की, ठीक है। जो फ्रेमवर्क आपका मॉनिटर करेगा किस चीज़ को करेगा, रिवर के अगर फ्रेमवर्क बनाया है तो रिवर की हेल्थ, उसकी प्रोसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब थीम क्या है इस बार की, थीम है रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन विच एम्फेसाइज ऑन 5 P's। हम इस इंफॉर्मेशन को अपने मेंस में आंसर्स में पुट कर सकते हैं, इस वाटर इंपैक्ट थीम्स इज एम्फेसाइज ऑन 5 P's। तो व्हाट आर दीज 5 P's, पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम एंड आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकता है कि ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने इसको ऑर्गेनाइज्ड किया है इस रिवर बेसिन को, तो आपका ये है आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG, ठीक है, ध्यान में रखना है। अलोंग अकेले नहीं किया है, विथ सेंटर ऑफ आपको पता होगा गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज। गंगा रिवर भी इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई थी तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपका गंगा रिवर बेसिन आपका लाया गया था, तो इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे विल डायरेक्टली आस्क ऑर्गेनाइज बाय विच, तो आपको ध्यान में रखना है। एंड मेन्स में यू कैन पुट 5 P's इन योर आंसर्स, दैट इज पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट न्यूज इज जो हमने डिस्कस करी, अब सेकंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ INS मोरमुगाओ। अब ये क्या है आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे आपको दिखेगा नेवी आपकी 3 फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो नेवी ने इसको आपका अभी किया है, क्या है ये, इट इज़ अ P-15B सेल्फ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ये आपका सेकंड है ऑफ द 4 विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर दैट हैज़ बीन डिजाइन बाय द इंडियन नेवी। किसने डिज़ाइन किया है इसको, इंडियन नेवीज वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो,
ठीक है, इसने इसको डिजाइन किया है। ये सेकेंड है आपका वॉरशिप ऑफ द फोर विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर। ठीक है, अब इसमें देखिए, इट हैज ओवर 70% इंडिजिनियस कंटेंट, मतलब कंप्लीटली जो इसमें बनाने में मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट्स जो भी कंटेंट जो भी चीज़ें लगी हैं वो कम्प्लीटली इंडिजीनियस नहीं है। उसमें 75% जो है आपका वो इंडिजीनियस कंटेंट है एंड वॉज बिल्ड बाय मेजॉक डॉक सिप बिल्डर लिमिटेड, इसने इसको बनाया है। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये आपका सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। बिसाइड्स मॉडर्न सर्विलेंस रेडार दैट प्रोवाइड टारगेट डाटा टू द वेपन सिस्टम्स। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन नेवी। इसका जो नाम है वो आपका दिया गया है हिस्टोरिकल पोर्ट सिटी मोरुगाओ इन गोवा। गोवा में आपका, आपको पता होगा गोवा ऑलरेडी बहुत टाइम से ट्रेडिंग पोर्ट रहा है एंशियंट टाइम से, तो वहाँ पे आपका फेमस एक हिस्टोरिकल पोर्ट है, उसके नेम पे ही इसका नाम डिसाइड किया गया है। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका, इट हैज़ द टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम। इट मींस, इसका मतलब क्या है, TACS, इट मींस क्या है, ये प्रोटेक्ट कर सकता है क्रू को फ्रॉम न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल थ्रेट से, हर एक तरह के थ्रेट से ये प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो आपको ध्यान में रखनी है, ये जो अंडरटुक है फर्स्ट सी जो 2021 मेकिंग 60 ईयर ऑफ गोवा लिबरेशन फ्रॉम पुर्तगीज रूल। गोवा में हमारे इंडिया में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो फॉरेन लोगों ने हमें हमारे ऊपर अटैक किया, जिसमें आपके पुर्तगीज, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स और आपके कौन आते हैं, डच। तो फर्स्ट हु केम टू इंडिया दैट इज़ पुर्तगीज। तो पुर्तगीज सबसे पहले कहाँ पे आए थे, कैलिकट में, तो आपके गोवा में पोर्ट सी रूट में जो भी पोर्ट वाले एरियाज हैं यहीं पे सबसे पहले आपके आए थे, बिकॉज सी रूट से उस समय ईजिली ट्रांसपोर्ट होता था, ईजिली लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। तो यहाँ पे गोवा में ही वहाँ पे सबसे पहले पुर्तगीज आपके सबसे पहले जो इंडिया में आए थे फॉरन, उसमें आपके सबसे फर्स्ट कौन थे, पुर्तगीज थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड देखिए, इस तरीके के न्यूज़ को हमने डिस्कस क्यों किया, बिकॉज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स क्वेश्चन। यू कैन चेक 2016 में आपका एक क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अष्टाधरणी दैट वॉज इन न्यूज रिसेंटली। 2016 में आपका INS अष्टाधरणी न्यूज में था, तो इसके रिलेटेड पूछा था कि ये क्यों, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो सेम इसी तरीके से आपका फिर से टर्म्स एंड नेम आपका एग्जाम में आ सकता है, तो यू शुड अवेयर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, MBBS वेलफेयर इसकी वेलफेयर इसकी सिप, नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर पावर सबमरीन, नेक्स्ट वन इज टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल्स, एंड लास्ट वन इज न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर। तो सेम इसी तरीके से इस बार नेम चेंज करके आपका अगेन दे कैन आस्क क्वेश्चन, तो यू शुड नो। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगले एक टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज BS श्री रजिस्ट्रेशन मार्क, दैट इज भारत श्री रजिस्ट्रेशन मार्क। Why इन न्यूज़, यू कैन सी कैसा होता है, देखिए ये आपका ईयर का नेम होगा, इंडिया आपकी कंट्री है, ये BS सीरीज के है एंड इस तरीके से इसकी नेम प्लेट होती है। अभी क्या है इसको डिटेल में अभी समझेंगे। तो कंटेक्स्ट न्यूज़ में क्यों आया है, रिसेंटली आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अलाउ किया है किस चीज़ को, कन्वर्जन ऑफ रेगुलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन इनटू भारत सीरीज नंबर एज पार्ट ऑफ मेजर टू वाइडन द स्कोप ऑफ BS सीरीज इकोसिस्टम। मतलब जो आपकी पहले से जितनी भी जो भी कन्वर्जन उसको किया है, किस चीज़ को किया, जो रेगुलर व्हीकल्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करने को बोला है, BS सीरीज नंबर्स में। अब क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है, क्यों जरूरी है, इसको अभी समझेंगे। तो देखिए इससे पहले क्या होता था, रिसेंटली ये चीज़ तो बोली गई है कि आपको जितने भी आपके ओल्ड व्हीकल्स हैं आप उसको BS सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर में कन्वर्ट करिए, लेकिन इससे पहले क्या होता है, जो न्यू व्हीकल्स होते हैं उन वो ऑप्ट करते थे BS सीरीज मार्क को। ठीक है, अभी इसको समझते हैं पहले कि ये क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, व्हाट इज़ द, पहले समझते हैं BS नंबर प्लेट, ये BS नंबर प्लेट होती क्या है इसको समझना जरूरी है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था BS नंबर प्लेट और भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इन अगस्त 2021 में नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इसको इंट्रोड्यूस किया था। जो BS सीरीज नंबर प्लेट होती है, रिमूव द ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग व्हीकल रजिस्ट्रेशन आफ्टर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है,
अब इसको देखते हैं कि ये है क्या, सबसे पहले समझते हैं। देखिए भारत सीरीज क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ हैज अलाउड द कन्वर्जन ऑफ रेगुलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन इनटू बीएस सीरीज नंबर। ये तो आपने समझ लिया कि न्यूज में है क्यों, ठीक है। अब इसके डिटेल समझते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले आप देखिए इसका फॉर्मेट कैसा होता है, आपको ऐसे मिलेगा YYBH, फिर उसके बाद हैशटैग, फिर XX। तो ये YY क्या होते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट में ये ईयर होगा, फिर आपका भारत, BH का मतलब है भारत, फिर आपका जो भी नंबर है वो होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका रीज़न क्या था इंट्रोड्यूस करने का, रिमूव द हैसल्स ऑफ री रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल व्हेन इट्स मूव फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर। क्या होता है देखिए, सपोज आपने अपनी गाड़ी किसी यूपी में खरीदी, ठीक है, अब आपको उसको हिमाचल में चलाना है, तो आपको क्या करना होता था, अपना नंबर प्लेट जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरी जगह पे, ठीक है, तो चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज़ को हटाने के लिए, बिकॉज जब आप गाड़ी में नंबर प्लेट देखते हैं ना, तो यहाँ पे BH नहीं लिखा होगा, अगर दिल्ली की है तो DL लिखा होगा, हरियाणा की तो हरियाणा लिखा होगा, तो हर एक स्टेट का नेम यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है, DL के बाद उस स्टेट का नेम लिखा रहता है। तो इसलिए आपको जब आप गाड़ी दूसरे स्टेट में चलाते हैं तो आपको नंबर को जो है कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, अपने उस स्टेट में। तो इस चीज को हटाने के लिए, BH का मतलब पूरा भारत, इट मींस कंप्लीट इंडिया, तो आपको किसी भी स्टेट में आप चला रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उत्तराखंड में चलाइए, साउथ में चलाइए, किसी भी स्टेट में चलाइए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका BH जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो बेनिफिट तो आपको समझ में आ गया कि क्यों इंट्रोड्यूस किया था, और हु इज इट फॉर, कौन इसको करता है, कौन कर सकते हैं, कोई भी एनी प्राइवेट व्हीकल्स एंड ऑल्सो डिफेंस, किसी को भी कर सकते हैं आप, कोई भी प्राइवेट व्हीकल्स एंड ऑल्सो फॉर डिफेंस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट PSUs एंड प्राइवेट सेक्टर व्हीकल्स कंपनीज एज वेल एज हैविंग ऑफिस इन मोर देन 4 स्टेट, ठीक है। अब देखिए रोड टैक्स क्या होता है, मोटर व्हीकल रोड टैक्स नीड टू बी पेड ऑन द बायएनियल बेसिस फॉर 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे हाउ डू आई अप्लाई, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑल द एप्लीकेशन फॉर BH रजिस्ट्रेशन प्लेट विल बी प्रोसेस्ड बाय द डिजाइन ऑनलाइन पोर्टल, द BH नंबर विल बी जनरेटेड रैंडमली। आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली आपका कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं नंबर प्लेट किस तरीके की होती है, यहाँ पे इंडिया, फिर आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा होगा, फिर BH सीरीज का कोड लिखा होगा, देन आपका यहाँ पे इस तरीके से नंबर होता है। तो अब आपको समझ में आया BH मार्क क्या है, क्यों न्यूज़ में है, और क्या इसके कंटेक्स्ट हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ हमने डिस्कस करी, अब हम मूव करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, ठीक है। अगली न्यूज़ है हमारी मैमेलियन इवोल्यूशन, मैमेलियन मैमल से आपको समझ में आ रहा होगा क्या है ये, इवोल्यूशन का मतलब आगे आगे बढ़ते रहना, जैसे ह्यूमन भी क्या हुआ है, इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। अब न्यूज़ में क्यों है, देखिए एज पर द स्टडी मैमल्स मे हैव इवॉल्व इन गोंडवाना, हमने पढ़ा होगा गोंडवाना लैंड, पेंजिया, पेंथलासा, स्टैटिक टेथिक्सी, स्टार्टिंग में हम लोग ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो जो मैमल्स हैं ये बोला गया है कि ये इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द गोंडवाना, द सदर्न लैंड मास फॉर्म फ्रॉम द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया मिलियंस ऑफ ईयर। तो आपको पता होगा सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, पेंथलासा, ठीक है, रादर देन इट्स नदर्न काउंटर पास लॉरेशिया, ठीक है, ये चीज़ बोली गई है। अब इसको समझेंगे आगे, उसके बाद क्या बोला है, द रिसर्चर्स स्टडी द मोलर्स, और अब रिसर्चर्स ने कैसे फाइंड किया इस चीज़ को, तो अभी तो उसके एविडेंस तो है नहीं, तो एविडेंस कैसे हम लोग लेते हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं फॉसिल फ्यूल्स, तो मोलर्स और फॉसिल्स फाउंड इन मेडागास्कर, तो मेडागास्कर में उसके कुछ फॉसिल्स फाउंड हुए साउथ अफ्रीका एंड इंडिया टू कम इन कंक्लूजन। तो जब उसको कंबाइन किया गया, उसके ऊपर स्टडी करी गई, तो पता चला कि ये सेम चीज़ है जो वहाँ पे मिली है, तो उससे इन्होंने कंक्लूड किया रिसर्चर ने कि जो मैमल्स हैं वो जो आपके हैं इवॉल्व हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, गोंडवाना से हुए हैं, जो कि सदर्न लैंडमास का पार्ट था, फ्रॉम सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, पहले एक ही कॉन्टिनेंट था ना पेंजिया, ठीक है, तो उस चीज के बारे में बात करी गई है। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, आप देख सकते हैं मैमल्स में अलग अलग चीज़ें आती हैं, इसको समझेंगे क्या है। देखिए मैमल्स, मॉडर्न मैमल्स किस तरीके से हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। मैमल्स क्या होते हैं, देखिए मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनके हेयर्स होते हैं एंड वर्टिब्रेट्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ थ्री ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, दो टर्म होते हैं, बेसिक बायो का क्वेश्चन है एंड कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, वर्टिब्रेट्स हैविंग अ स्पाइनल कॉर्ड और नॉन वर्टिब्रेट्स हैविंग अ नॉट स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो वो जैसे कि फिश, आपकी क्या है, वो बैठ नहीं सकती, बट ह्यूमन कैन सिट बिकॉज ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
अब इसके थ्री ग्रुप्स हैं, इसको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट वन है आपका मॉन्ट्रीमिस। अब इसमें क्या है, ये प्रिमिटिव मैमल्स हैं जो कि ले करते हैं लार्ज एक्को एंड हैव अ कॉमन ओपनिंग फॉर द यूरोजेंटाइल एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके एग लेइंग मैमल्स हैं, ठीक है, अंडाधारी जिसको हम लोग बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के मैमल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद आगे मूव करेंगे, सेकेंड है आपके, सेकेंड आप इमेज में देख के कुछ समझ सकते हैं। देखिए ये आपका रेड कंगारू, कंगारू का बच्चा बहुत टाइम तक अपने मम्मी के मतलब आपके उसी में रहता है, पेट में ही रहता है। तो देखिए क्या है इसके मॉर्सिपाइल्स, ये क्या होते हैं, आर द मैमल्स whose youngs are born incompletely developed, they develop inside a pouch or on the mother belly. ये completely egg laying mammals जो होते हैं, और इसमें क्या difference होता है, ये completely जो है mother के inside में ही develop हो जाते हैं, मतलब एक अच्छा develop होने के बाद ही ये बाहर आते हैं, ठीक है। तो mother की belly में ही, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, mother की belly में ही ये develop होते हैं अपने, ठीक है। अब अगले हैं आपके प्लेसेंटल्स, ये कौन से होते हैं, प्लेसेंटा, जैसे नाम से आप समझ सकते हैं, ये कैरी करते हैं फिटस को अंटिल द लार्ज स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें आपके टोटल 19 डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के हैं, बैट, कार्निबोर्स, प्राइमेट्स, सील्स, व्हील्स, ये सब इसमें अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि ह्यूमन किस में आएगा, ह्यूमन की कैटेगरी क्या है, ह्यूमन कौन सा मैमल है, ठीक है। तीनों में जो भी मैंने आपके साथ अभी तीन टर्म डिफरेंट डिस्कस किए, आपको उसमें से बताना है कि ह्यूमन किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब अगला इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमें डिस्कस करना है। एज आई डिस्कस ऑलरेडी इन द स्टार्टिंग सेशन कि बनियान ट्री और जो आपका पीपल ट्री है, इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। तो व्हाट आर द रीजंस, क्यों ऐसा होता है, तो अभी क्या हुआ है, देखिए रिसर्चर्स एट IISER, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, हैव कैरीड आउट होल जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफ बनियान एंड पीपल फ्रॉम द लीफ टिश्यू सैंपल। अभी इस इंस्टीट्यूट के IISER भोपाल के रिसर्चर्स ने आपका कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंसिंग को स्टडी करी है बनियान ट्री, और इसके कहाँ से सैंपल्स लिए हैं, फ्रॉम लीव टिश्यू से, यहाँ से इन दोनों की लीव से आपके क्या किए हैं, सैंपल्स को लिए हैं, एंड देन दे स्टडीज इन द कंप्लीट सीक्वेंस। उसके बाद उन्होंने देखा कि क्या रीजंस हैं कि ये इतना ज़्यादा लाइफ इनका होता है। तो क्या रीजंस हैं, हम समझते हैं इसके रीजंस। तो रीजंस क्या हैं, देखिए जब उन्होंने द वर्क हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, इनका जो वर्क है उसने हेल्प किया है आइडेंटिफाई करने में 17 जीन इन द केस ऑफ बनियान एंड 19 जीन ऑफ पीपल विथ क्या है आपका मल्टीपल साइंस ऑफ एडेप्टिंग इवोल्यूशन, दैट इज MSA। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे MSA, डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है MSA से रिलेटेड। तो MSA आपका है मल्टीपल साइन ऑफ एडेप्टिंग इवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके लॉन्ग लाइफ सर्वाइवल के लिए, और इनके लॉन्ग लाइफ सर्वाइवल ऑफ दीज टू फीकस स्पीसीज। देखिए इससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए जब भी हम किसी उसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो आप देखेंगे आगे उसका नाम लिखा जाता है, तो दोनों ही आपकी एक ही स्पीसीज है, फीकस की ही दोनों वो हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, या कह सकते हैं अलग अलग दो टाइप्स की ट्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीन आपका आइडेंटिफाई किया गया है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इनके लाइफ लॉन्ग और हेल्दी के लिए, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। फीकस रिलीजियोसा, ये क्या है, ये आपका स्पीसीज है, स्पीसीज ऑफ फिग नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये आपका स्पीसीज जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इंडो चाइना दैट बिलोंग टू द मोरेकाई फैमिली, ये आपका इंडो चाइना और इंडिया की नेटिव स्पीसीज है, सब कॉन्टिनेंट में मिलेगी, ये आपका इस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ये तो ये फैमिली, उसके अंदर आपकी ये स्पीसीज आती है, ठीक है। द लाइफ स्पैन ऑफ द बनियान ट्री इज एक्सपेक्टेड टू द, कितना होता है, देखिए एक बनियान ट्री का लाइफ स्पैन 200 से 500 ईयर्स होता है, बट पीपल ट्री का जो है उससे भी ज़्यादा होता है, ये 250 ईयर्स तक आपका एक पीपल ट्री सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो क्या रीजंस हैं, हमने समझे MSA इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में आप देखेंगे, ये न्यूज़पेपर में आपका ये क्लिप आया था जिसमें बताया गया है कि वाई बनियान पीपल ट्री लिव लॉन्ग, क्या रीजंस हैं कि ये जो ट्री है ये आपका लॉन्ग लिव करता है। तो जीन्स विथ मल्टीपल साइन ऑफ एडेप्टिव इवोल्यूशन एरोज इन द रिस्पॉन्स टू द पॉपुलेशन बॉटल नेक फेस अराउंड द 0.8 मिलियन ईयर एगो, ठीक है।
अब इसमें यहाँ पे वही सब चीज़ें बताई गई हैं, जीन सोइंग, MSA, इवोल्यूशन इन द बनियान ट्री वर मेनली एसोसिएटेड विद द रूट डेवलपमेंट, लीफ फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। अगर किसी ट्री का रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसके लीफ फॉर्मेशन ग्रोथ करती रहेंगी, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, रिप्रोडक्शन अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली उस ट्री का लाइफ स्पेन क्या होगा आपका, अच्छा होते रहेगा। ठीक है, आगे बोला गया, जीन विथ मल्टीपल एडेप्टिव इवोल्यूशन इन पीपल वर मेनली एसोसिएटेड विथ रूट डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। इसके बाद डिजीज रेजिस्टेंस जीन फैमिली शोज जीन एक्सपेंशन एज वेल एज हाई जीन एक्सप्रेशन इन दीज टू ट्री। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था फॉर बनियान 15 और 17 MSA जीन वर एसोसिएटेड विद द टॉलरेंस अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इतने जी जो उसके जीन हैं, ये आपको इसको इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस भी बनाते हैं, इन्वायरमेंटल टॉलरेंस भी बनाते हैं, तो इसलिए ये इन्वायरमेंट्स का इफेक्ट इसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, हीट रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ों को झेल जाते हैं इजिली। ठीक है, और पीपल ट्री में हमने देखे यहाँ पे आपके 17 आउट ऑफ 19 MSA हैं जो इसके एसोसिएट होते हैं टॉलरेंस एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें हमने स्टडी में देखी। अगला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है आपका ग्लोबल मिनिमम टैक्स। अब ये क्या है, देखिए, यूरोपियन यूनियन हैज़ अडॉप्टेड अ प्लान फॉर ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स ऑन दी बिग बिजनेसेस। 15% टैक्स जो है आपका वो फिक्स किया गया है। तो GMT जो है ड्रॉन अप अंडर द फ्रेमवर्क ऑन, किसके अंडर ये आया आपका, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS। ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रॉम द इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। इसमें से क्वेश्चंस आता है आपका व्हाट इज BEPS, तो आपको ध्यान में रखना है यूरोपियन यूनियन ने ये प्लान जो है इसको अडोप्ट किया था फॉर द ग्लोबल मिनिमम टैक्स। सारी कंट्री में ग्लोबल लेवल पे एक मिनिमम टैक्स को फिक्स किया था, दैट इज 15% ऑन द बिग बिजनेसेस। ठीक है, अब देखते हैं इसका एम क्या है। द लैंडमार्क डील बिटवीन नियरली 140 कंट्रीज एम टू स्टॉप गवर्नमेंट रेसिंग टू कट टैक्सेस इन अ बिड टू अट्रैक्ट कंपनीज। ठीक है, देखिए क्या करती है, किसी एक स्टेट की गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका टैक्स को बहुत ज़्यादा कम कर देगी, कट कर देगी, ताकि बड़े बड़े बिजनेसेस को वहाँ पे क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, टैक्स कम देना पड़े। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक मिनिमम टैक्स आपका क्या किया है, फिक्स किया है। ठीक है, अब देखिए जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है ना, यूजुअली बेस्ड ऑन द कंपनीज प्रॉफिट। जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये यूजुअली जो है कंपनीज का प्रॉफिट होता है, बट ऑफन दे माइट बी एबल टू पे लेस डिपेंडिंग ऑन द वेयर देयर ऑफिस आर रजिस्टर और हाउ दे इन्वेस्ट इन देयर बिजनेसेस। ठीक है, नोन एज BEPS, दैट इज बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। जहां उनको प्रॉफिट हो रहा है वो उस तरफ अपने बिजनेस को शिफ्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कि वहां पे किस तरीके का आपका टैक्स सिस्टम है, किस तरीके के वहां पे कंडीशंस हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है। एक कोई अल्फा कंपनी है, सपोज समझिए कोई एक अल्फा कंपनी है, इसने अपना ओवरसीज ऑपरेशन किया है किसी कंट्री बी में, जहाँ पे टैक्स रेट कितना है आपका 10%। तो कंट्री बी अर्निंग कितना, कंट्री बी अर्निंग करेगी आपका डिफरेंस जो है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% है, तो यहाँ पे 10 है, तो इसने कितना अर्न किया, डिफरेंस कितना हुआ आपका 5%। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से आपका जब अगली कंट्री ए में जाएगा तो टैक्स रेट कितना हो जाएगा 20%। तो अल्फा पे जो अल्फा कंपनी है ये क्या करेगी, पे करेगी 5% टॉप ऑफ टैक्स ऑन द कंट्री ए ऑन कंट्री बी अर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से इसको किया जाता है। अब ग्लोबल मिनिमम टैक्स कितना सेट किया गया है ये आपको ध्यान रखना है, 15% ऑन द मल्टीनेशनल बिजनेसेस। ठीक है, अब व्हाट इज BEPS, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है, रिफर्स टू द टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी यूज्ड बाय मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस दैट एक्सप्लॉइट गैप्स एंड मिसमैच टैक्स रूल टू अवॉइड द पेइंग टैक्स। जो भी मिसमैच है उसको अवॉइड करने के लिए ये चीज आपकी लाई गई है। डेवलपिंग कंट्री हायर रिलायंस ऑन द कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स means they suffer from the BEPS disproportionally। देखिए ये लोग mainly corporate tax पे depend होते हैं, अगर इसी में आपका disproportion हो गया तो इनको सबसे ज़्यादा suffer करना पड़ेगा। तो significance क्या है GMT के, that is इसके significance क्या है, ये आपका generate करेगा new global tax revenue over the $15 billion का, will put a curb on the practices of tax haven, tax haven से जो बचते हैं उस चीज को भी ठीक करेगा। ठीक है, तो ये minimum global tax के related आपका कुछ थे। अब देखिए बिगेस्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं OECD में, यहाँ पे आप देखेंगे बिगेस्ट टैक्स लूजर कौन सी हैं, US, जर्मनी, ब्राज़ील, फ्रांस एंड इंडिया। ठीक है, उसके बाद बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू टैक्स लूजर्स, इसमें कौन से कंट्रीब्यूटर हैं, नीदरलैंड, केमेन आइलैंड, चाइना, हांगकांग एंड UK। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे इसके रिलेटेड डिस्कस करी।
तो एट दी एंड हम एक प्रिलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन क्या है, विथ रिफरेंस टू द INS मरुमाओ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके रिलेटेड आपको एक ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट है, इट इज़ डेवलपमेंट बाय कोचिन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। फर्स्ट थिंग ये करेक्ट है, आपको बताना है। सेकेंड है, इट इज़ फुल्ली इंडिजीनियस एंड हैज अ स्टेट ऑफ आर्ट सेल्फ कैपेबिलिटीज। थर्ड है, इट इज़ इक्विप्ड विथ सरफेस टू सरफेस मिसाइल वेपन सिस्टम ओनली। चूज द करेक्ट आंसर, आपको तीनों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना है। अभी हमने इसको डिस्कस किया, तो आई होप आपको इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो आप कमेंट में इसका आंसर करिए, एंड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेम टाइम पे, तब तक के लिए अगर कोई भी इश्यूज हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।